वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने फिर एनडीए में जाने के संकेत दे दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक बीजेपी उनकी शर्तें मान ले, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बीजेपी लागू कर दे तो वो अपने पूरे मोर्चे के साथ एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। राजभर ने यह भी कहा कि अजहरुद्दीन ओवैसी उनके मोर्चे भागीदारी मोर्चा का अभी तक हिस्सा नहीं है। राजभर ने बीजेपी के यूपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के साथ जाकर स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की थी। आप तो लगातार बीजेपी के खिलाफ हैं, ये बताइए कि आज कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप सीधा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने उनके घर चले गए? क्या है वजह? क्या कोई बीजेपी के साथ आने वाले वक्त का गठबंधन दिख रहा है? नहीं, देखिए, एक शिष्टाचार मुलाकात में मैं और हमारे बड़े परम साथी हैं, बड़े भाई हैं दयाशंकर सिंह जी, हम दोनों लोग व्यक्तिगत काम से उनसे मिलने गए थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ मैंने छोड़ा, मिनिस्ट्री मैंने छोड़ा जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, दो दो राज्य मंत्री छोड़ा मैंने, 8 निगम के लोगों को मेंबर थे उनको छोड़ा, और बीजेपी के अगर सिंबल पे लड़ा होता तो सांसद भी बन करके दिल्ली गया होता, लेकिन मेरी जो लड़ाई है बीजेपी से वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है, कालम बना करके सभी जातियों की जातिवार जनगणना का, दूसरा हमारा उनसे संघर्ष था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए जो 3 साल 4 महीना हो गया रद्दी की टोकरी में रखे हुए हैं, तीसरा हमारा इशू उनसे था कि भाई आज एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको ये व्यवस्था कराओ, 33% रिजर्वेशन महिलाओं का आपने देखा कि लोकसभा में विचाराधीन है, सत्ता से बाहर जब लोग रहते हैं तो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन लागू करने की बात करते हैं, प्रदेश में शराबबंदी की बात करते हैं। तो ये बताइए कि आपने आपकी ये सब मांगे अगर बीजेपी कंसिडर करती है तो क्या आप फिर दोबारा एनडीए में जा सकते हैं, दोबारा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, पहले ये चीजें बीजेपी लागू करे, उसके बाद 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़े का बेटा सीएम घोषणा हो, पिछड़ी जाति के बेटा के सीएम बनाने की घोषणा हो, बनाने की नहीं बल्कि उसको अभी से घोषणा कर दें। आप तो अब जैसे आप लगातार बीजेपी पर हमलावर थे हैं, आपका जो भागीदारी मोर्चा है आप किसी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाने की बात कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि अगर आपकी ये तमाम मांगे हैं अगर बीजेपी इसे कंसिडर कर लेती है तो आप फिर से आ सकते हैं? करे तब ना, ये तो कहते हैं लेकिन करते नहीं है ना भैया, इन्होंने हमको कहा कि लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले। लेकिन आज की जो मुलाकात है, एक प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ आप राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे हैं, अभी अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी का भी इफेक्ट कहा जा रहा है कि अमित शाह आए और देखिए जो पुराने साथी हैं सब एक करके, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को जो पूरा करने के लिए तैयार हो, अब चूंकि बीजेपी से हमने छोड़ दिया है साथ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के, तो अब वो पहले लागू करे, अब हमको विश्वास नहीं है कि वो हमको लेके करेगी, नहीं, पहले वो सत्ता में है, वहां भी है, देश में भी है, प्रदेश में, इन चीजों को लागू कर दे उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि आपके जो डिमांड है अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं? पहले मान तो ले, करे घोषणा, करे उसको कानून का रूप दे उसको, तब विचार किया जा सकता है। और बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पहुंचे थे। दयाशंकर सिंह ने आज तक से बातचीत में कहा कि उनकी कोशिश है कि राजभर को एनडीए में लाया जाए, क्योंकि राजनीति में कोई परमानेंट मित्र या फिर शत्रु नहीं होता। दयाशंकर सिंह, दयाशंकर जी, ये बताइए कि आप लेकर के गए, आपके साथ वो मिलने गए, तो क्या माना जाए कि अब ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए का हिस्सा होंगे? नहीं, ये माननीय ओम प्रकाश जी 2017 में जब चुनाव हुआ विधानसभा के तो हमारे साथ सहयोगी दल में थे, और राजनीति में लंबे समय तक न कोई दुश्मन रह सकता है और न कोई दोस्त रह सकता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार दोस्त और दुश्मन बनते हैं। बताइए कि आज आप जो उनको, अभी तक तो वो लगातार बीजेपी के खिलाफ है, दूसरे दल के साथ जाने के, तो आज क्या आशय है, मिलने का क्या मतलब है, क्या वो सचमुच बीजेपी की तरफ वापिस आ रहे हैं?
देखिए पहले भी उनका दल अलग था और जो हमसे वो छोड़े भी थे साथ, तो इसी आधार पर छोड़े थे कि हम लोग उस समय लोकसभा का एक घोसी में टिकट हम लोग उनके लड़के को दे रहे थे अरविंद राजभर को, लेकिन वो कहते थे नहीं हमारे उस पर दिया जाए सिंबल पर। कोई ऐसा नहीं था हमारे उनमें कोई ऐसा मैंने खटास नहीं था, एक उनकी एक वो थी कि हम अपने सिंबल पर दे रहे थे, वो कह रहे थे नहीं हमको सीट छोड़ दीजिए, बस एक उस बात पर छोड़ करके चले गए थे। वापिस आ सकते तो आ सकते, संभावना को कोई झुठलाया थोड़ी जा सकता है। और वो हम लोग के सैद्धांतिक रूप से जो वैचारिक रूप है जो वो हम लोग के नजदीक गणना करिए, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है वो करिए, तो क्या इस सब के लिए बीजेपी तैयार है उनके मांगों को माने? देखिए जो ओम प्रकाश जी सोचते हैं वो मोदी जी करते हैं, आज मोदी जी जो कर रहे हैं जिसके लिए आज ओम प्रकाश जी गरीबों के लिए वंचितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मोदी जी आज उनके लिए कार्य कर रहे हैं, आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। तो मुझे तो विश्वास है कि मैं इसको आज की मुलाकात के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आज की मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेरे साथ नहीं आ सकते। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि संसद में आज भी अलग अलग मुद्दों पर हंगामा हुआ, राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, 11:40 पर लोकसभा की कार्यवाही भी 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी, 12 बजे फिर हंगामा होने लगा, लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान लगातार विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते रहे। सदस्यगण, मंत्री महोदय, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और आज किसानों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, मैं आपसे आग्रह करूंगा माननीय आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेह तय कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो रहा है लोगों के, जो पैसा से ये चलता है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। हमने बार बार ये कह रहे, आज प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार है और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का, इट इज नॉट करेक्ट, बिल ऑल्सो बिलोंग्स, द इंटेंशन ऑफ बिल इज टू इज ऑफ लाइफ, जो गरीब लोगों का कल्याण के लिए, ईज ऑफ लिविंग एंड फॉर द पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी अच्छा आगे करना है और काल काल में जो परिवर्तन लाके गरीबों को जीवन में जो बदलाव लाना है उसके लिए जो करना है, दैट विल बी द इंटेंशन ऑफ एनी बिल। तो आपको हम बता दें कि एक बार फिर से जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद फिर से हंगामा यहां पर शुरू हो गया और एक बार फिर से विपक्षी नेता जो है अपनी अपनी बात को लेकर फिर से सदन में हल्ला करना उन्होंने शुरू कर दिया, नारेबाजी करनी शुरू कर दी। आपको हम बता दें कि आज जो संसदीय दल की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि ये संसद और संविधान का अपमान है, जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार संसद को नहीं चलने दे रहा है, कार्यवाही नहीं होने दे रही है, विपक्ष लोकतंत्र जनता का अपमान उन्होंने बताया, चिंता और फिक्र उन्होंने जाहिर की प्रधानमंत्री ने। संसदीय दल की बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री ने ये बातें कही कि ये संसद और संविधान का अपमान है, जिस तरह से विपक्षी दल जो है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, लोकतंत्र जनता का अपमान किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक एक भी दिन संसद, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही जगहों की कार्यवाही ठीक तरीके से नहीं चल पाई है, लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है मॉनसून सत्र अब तक। और इसी को लेकर आज संसदीय दल की जब बैठक हुई, बीजेपी संसदीय दल की बैठक, उसमें प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की और उसमें उन्होंने ये बात कही कि विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है और ये संसद और संविधान का अपमान है, लोकतंत्र जनता का अपमान किया जा रहा है।
लेकिन आज एक अलग ही मोर्चे पर राहुल गांधी भी आपको नजर आए। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से राहुल गांधी ने बकायदा विपक्षी एकता दिखाते हुए चाय नाश्ता पार्टी दी थी और उसके बाद साइकिल से संसद तक पहुंचे थे नई रणनीति के साथ। संसद में किसान मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गेट नंबर 4 पर संसद भवन में अकाली दल की ओर से हरसिमरत कौर बादल रोज किसान मुद्दा उठाती हैं। सुखबीर बादल भी कभी कभी इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं। पिछले कई दिनों से ऐसे ही गेहूं की बाली उनके पास से गुजरने वाले सांसदों को देते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर दूसरी पार्टी का। आज हेमा मालिनी को भी उन्होंने गेहूं की बालियां दी। दरअसल लगातार किसान मुद्दे को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रतीकात्मक उन्होंने गेहूं की बालियां आज हेमा मालिनी को भी दी और काला कानून वापस करो इस तरह की मांग ये कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 जो कृषि कानून है जिसको लेकर लगातार जो किसान हैं वो भी अपनी अलग संसद लगा रहे हैं और ये कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं, उसी का समर्थन करते हुए इन्होंने भी बड़ी दुख की बात है कि रोज एडजोर्नमेंट मोशन दे रहे हैं। 8 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसान अपनी जाने गवा चुके हैं इस गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैठ के ये काले कानून रद्द कराने के लिए। ना 8 महीने से किसानों की सुन रहे हैं जो सड़कों पे बैठे हैं घर बार छोड़ के, अपने किसान अपने खेत फसल छोड़ के, और ना ही इधर संसद के अंदर हम एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर हर रोज 12 दिन से दे रहे हैं एडमिट करके चर्चा करके सारे हाउस की सहमति लेके कि ये क्यों वापस होने चाहिए, वो हमारी यहाँ पे आवाज कुचली जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि वो कल से एमएसपी पर घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। ये बताएंगे कि कैसे बिल्डिंगों की जमीन पर दिखाए गए खेत टिकैत का कहना है कि वो दस्तावेजों के साथ खुलासा करेंगे। टिकैत का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग और बाकी बिल्डिंग की जगह खेती की जमीन दिखाई जा रही है। टिकैत का कहना है कि एमएसपी मांगना जिद है तो वो जिद तो जारी रहेगी। आपको लगता है टिकैत साहब की जो विपक्ष एक साथ नाश्ते पर बैठा है उससे कम से कम किसानों को कुछ फायदा होगा या किसानों की बात उठाने में क्या विपक्ष कामयाब रहा है पार्लियामेंट के अंदर बाहर? देखो पहले क्या था कि विपक्ष बाहर आ जाता था, अब की बार बाहर नहीं आया तो कम से कम उसने अपनी बात कही। और कोई बाहर घटनाक्रम हो रही है, कोई गलत चीजें बाहर हो रही है, सरकार द्वारा कोई चीजें घटित हुई है तो विपक्ष को चाहिए कि उसकी आवाज उठावे अपनी, और पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठनी चाहिए। लेकिन आप भी बैठे हैं लगातार यहाँ पर और सरकार ने एक तरीके से कहा भी क्या कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जिद पर अड़े हुए। हम जिद नहीं है, हम अपने फसलों के दाम मांग रहे हैं, जिद नहीं है। हम 4 तारीख में हमारे पास में कागज आ जाएंगे, हम वो देंगे। क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है अपनी बात भी ना कहें। ये लोग रामपुर के लोग होंगे यहाँ पे, जी रामपुर जितना एक ही जिले का हम दस्तावेज आपको देंगे। वहाँ पे जिन जगह पे बिल्डिंग और स्कूल बने हुए हैं उन जगह में खेती दिखाई जा रही, उसके नाम से गेहूं और धान तो ले जाते हैं। वो पूरा खसरा नंबर, पूरे फोन नंबर, उन लोगों के नाम जिनके नाम 1 बीघा जमीन नहीं है, उन लोगों के नाम से फर्जी तरीके से ये हो रहा है। ये एमएसपी है, हम चाहेंगे सरकार के उसकी जांच कर ले। तो अगर हम करें कि एमएसपी पे घोटाला हो रहा है, एमएसपी पे घोटाला, गेहूं 80% फर्जी तुलता है, 20% किसान का तुलता है, धान जो जीरी होती है वो 95% फर्जी तुलती है और 5% किसान की तुलती है। हमने इकट्ठा कर लिए, पूरे दस्तावेज इकट्ठा है।